नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं रूपांतरित चट्टानों के बारे में। रूपांतरित चट्टान क्या होती हैं और इसे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो ये क्या होती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, ये भूपृष्ठ में कितने भागों में फैली हुई हैं और इनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो दोस्तों, अवसादी और अग्नेय, जैसे कि हमने पहले इसके ऊपर बात की है, यदि आपने पहले की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, यदि नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, इस चैनल पे वो वीडियो हैं। तो अवसादी और अग्नेय चट्टानों में ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। इससे जो चट्टानें बनती हैं वे रूपांतरित या परावर्तित चट्टानें कहलाती हैं। तो यहाँ पे तो आपको ये क्लियर हो गया। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं, सेल से स्लेट बन जाती है। बालू जो पत्थर होता है वो जब रूपांतरित होता है तो क्वार्टाइज में बदल जाता है। जो ग्रेनाइट होता है वो गनीज में बदल जाता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों कि संगमरमर किससे बनता है, तो संगमरमर चूना पत्थर से बनता है। तो जो चूना पत्थर है वो किसका एग्जाम्पल है, अवसादी चट्टान का, लेकिन संगमरमर रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। तो जब चूना पत्थर में परिवर्तन हो जाता है ताप दाब के कारण, तब वो संगमरमर बन जाता है। इसके अलावा कोयले से एंथ्रेसाइट और ग्रेफाइट का बनना, तो जो ग्रेफाइट और एंथ्रेसाइट है ये दोनों रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। तो ये थी कंप्लीट से कहानी रूपांतरित चट्टानों यानी मेटामॉर्फिक चट्टानों के बारे में, जो मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारियों के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं, जो कि आपको मिलेगा सब्सक्राइब बटन के बाजू से, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल पाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को और सुदृढ़ और इफेक्टिव बना पाएँ। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।